அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इनका नाम है साबरीमला। इनको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है क्योंकि इन्होंने खुदा का दीन एक्सेप्ट कर लिया है। इनको किसी भी मुसलमान ने दीन इस्लाम की दावत नहीं दी, किसी भी मुसलमान ने इनसे ये नहीं कहा कि कुरान को पढ़िए, बल्कि एक गैर मुस्लिम शख्स ने इनके साथ कुरान की कुछ आयतें शेयर की और कहा कि कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों के बारे में बुरा लिखा हुआ है। क्योंकि साबरीमला एक एजुकेटेड खातून थी, ये पढ़ी लिखी थी, इन्होंने कुरान खोला और चेक किया। कुरान को इन्होंने एक न्यूट्रल अंदाज से समझने की कोशिश की, तब इन्हें पता चला के लोग कुरान की आयतों को मिसकोट कर रहे हैं, यानी कि कुरान की आयत कुछ और बयां कर रही है, लोग उसका कुछ और मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। तभी साबरीमला दिल ही दिल में खुदा को याद करती है और कहती है कि खुदा, अगर तेरा दीन सच्चा है तो मेरी आंखें खोल दे। और ये कुरान को ट्रांसलेट करती है और पढ़ती जाती है और ये समझ जाती है कि ये कोई मामूली कलाम नहीं है, कुरान की आयतें कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की तरफ से है, ये तो ईश्वर की तरफ से है। ये खातून मुसलमान बनने से पहले मुसलमानों से बेहद नफरत किया करती थी, मीडिया वाले जानबूझकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए से नफरत फैला रहे थे। और ऐसे माहौल में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात है। आज हमारे मिंबर पर बैठे मौलवी ये बात कर रहे होते हैं कि खीर पूरी खाना या फिर नहीं खाना कहकर, रफेदन करना या फिर नहीं करना, या फिर फातिहा देना नहीं देना, इसी के अतराफ हमारी चक्की घूम रही है। ये तमाम के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो लोग कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते, लेकिन मुसलमानों ने ये दीन का काम करना छोड़ दिया। आज इसी वजह से जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। कुरान को जब इन्होंने ट्रांसलेशन के साथ समझा तो ये समझ गई कि ये खुदा का कलाम है, इसी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह सुबहाना व ताला ने अपनी इस नेक बंदी को दीन इस्लाम के लिए चुन लिया। आपकी नजरों में हो सकता है कि एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन हमारी नजरों में दुनिया की सबसे अमीर तरीन खातून ये साबरीमला नामी खातून है। दीन हक को दिल से एक्सेप्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, और अल्लाह सुबहाना व ताला ने इनके इस्लाम कबूल करने को इतना पसंद फरमा लिया कि 3 महीने में इनको उमरा के लिए बुला लिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साबरीमला என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமலாவாக। ये यहाँ पर कह रही है कि इनका नाम साबरीमला था, अब इनका नाम फातिमा हो चुका है। और ये तमाम मुसलमानों को कह रही है कि मुसलमानों ने अपने घरों में खजाना छुपा रखा है जो कि कुरान है। और ये खातून मुसलमानों से कह रही है कि अल्लाह का पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि इस खातून का कहना है कि इसने कुरान खुद से पढ़ा तभी इसे दीन हक मालूम हुआ। अगर ये कुरान खुद से नहीं पढ़ती तो ये भी गुमराह रह जाती, और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो लोग दीन का पैगाम इस तक पहुंचाते। हमारे मौलवी साहब तो 20 रकात 8 रकात तरावी की बात तो डालते हैं, लेकिन मुल्हिदीन जो रोजाना चैलेंज करते रहते हैं मुसलमानों को, उसके ऊपर वीडियोस नहीं डालते। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप घर बैठे दीन इस्लाम के पैगाम को पहुंचा सकते हैं। कुरान मजीद को खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए, और हमारी इस बहन को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है अपने रब को पाकर। तो आप लोगों की क्या राय इससे मुताल्लिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।